सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहां पे मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को पूरा, देखिए राजन सीरीज जो है आपका वह पूरा मैं कंप्लीट करा रहा हूं। जो नया संस्करण आया है 2024 में, जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसके लिए जो संस्करण आया है उसको यहाँ पे हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, प्रश्न संख्या 43 तक जो है वह हमने डिस्कस कर लिया था। प्रश्न संख्या 43 तक दो पार्ट में अभी तक हमने प्रश्न संख्या 43 तक डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 44 को डिस्कस करेंगे। ये आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले की जो क्लास है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उस लिंक पे मैथ के सामने के लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मैथ के सभी क्लासेस जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर राजन सीरीज पूरा, पवन सीरीज पूरा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मास्टर क्लास, सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी इससे पहले जो कराई गई है और जो नई कराई जा रही है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हर बार हम आपके राजन पवन सीरीज को डिस्कस करते हैं तो इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक दिया गया है और सभी विषयों के नोट्स जो हैं, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें आपको ऐप पे उपलब्ध हैं। ऐप पर आप जाइए, ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड करिए और वहां पे अनेकों अनेक सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है। देखिए, कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, खुद से पहले सॉल्व करना है और बाद में सोल्यूशन देखना है। ये आपका है प्रैक्टिस का तरीका। एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास 1 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है, उसमें से 0.1 सेमी अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? यह आपसे पूछ रहा है। अब एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास, ये शब्द को समझिए। आप व्यास तो समझते हैं लेकिन अर्ध व्यास क्या होता है? जैसे व्यास डायामीटर आपका डी होता है, अब अर्ध व्यास क्या होता है? अर्ध, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। जैसे अर्ध चांद निकला हुआ है, आधा चांद निकला हुआ है, इस तरीके से अर्ध व्यास क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, डी बाई टू। और आपको पता है डी डायामीटर बराबर होता है 2R, और d by 2 अगर करें दोनों तरफ 2 से भाग दें तो ये बराबर हो जाएगा R के, यानी कि डायमीटर का आधा किसके बराबर होता है? त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक, तो ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि अर्ध व्यास जहां लिखा रहे उसका मतलब आप क्या समझ जाएंगे? उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि हमको त्रिज्या दी गई है। तो एक बेलनाकार ठोस है, एक बेलनाकार ठोस आपको दिया गया है, बेलन सिलेंडर का आकार आपको पता ही है, तो इस तरीके से ये आपका सिलेंडर हो जाता है। इस सिलेंडर का आपको क्या क्या दिया गया है? इसका अर्ध व्यास दिया गया है, यानी कि त्रिज्या आपको दिया गया है R, और ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 4 सेमी। R कितना दे दिया गया? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सीधे सीधे आप लिखिए R जो है वह 1 सेंटीमीटर है और जो आपका H है, ऊंचाई जो है वह 4 सेंटीमीटर है। तो हमको वॉल्यूम, अब देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक ये बेलनाकार ठोस है जो आकृति हमने बना लिया, उसमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? अब गोली क्या? स्फीयर, जो छोटे छोटे कंचे आपने खेले होंगे उस तरीके से आप समझ लीजिए कि उसमें से गोलियां बनाई जानी है। कितनी गोलियां बनाई जाएंगी ये कैसे हम निकालेंगे? अब देखिए, एक बड़ा वॉल्यूम होता है। अब मान लेते कि आपके पास 10 लीटर का गैलन है और एक एक लीटर की बोतल्स हैं, ठीक है 10। तो आप जब भरते जाते हो तो 10 एक लीटर की बोतल भर जाती हैं। तो इस तरीके से एक जो 10 लीटर का वॉल्यूम था वह एक एक लीटर में परिवर्तित हो गया। तो इसी तरीके से अब ये जो बड़ा वॉल्यूम है हमारे पास बेलन, उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, उसका आयतन निकाल लेंगे और उस आयतन से देखेंगे कि कितना कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कितना कन्वर्ट हो सकता है? जैसे 10 लीटर का गैलन हो और 2-2 लीटर में भरना हो तो कितने गैलन्स भराएंगे 2-2 लीटर के? तो 10 में भाग दे देंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका आयतन हम निकाल लेंगे। लीटर क्या होता है? आयतन होता है। तो सीधे
10 लीटर में 2 लीटर से भाग किया तो 5 बोतल्स भराएंगे, ये हमारा आ गया। इसी तरीके से ये पूरा आयतन कितने में कितने छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित होगा यह हमको निकालना है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं यह हमको निकालना है। तो ये हम निकाल लेंगे आसानी से, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम आयतन इसका निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन होता है आधार का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर और गुणे इसकी ऊंचाई एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। अब पाई को ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू एक है तो एक का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और गुणे एच की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया। तो इसका जो मान आ जाएगा बस 4π आ जाएगा, इसका मान आ गया 4π। अब यहीं से लिखिए, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा? एक गोली का जो अर्धव्यास दिया गया है वह 0.1 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि अर्धव्यास d/2 बराबर लिख दीजिए r और r बराबर लिख दीजिए 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो इसका वॉल्यूम कितना आता है? ये आपका गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा जो होता है 4/3 πr³। ये आपका इसका एक गोली का आयतन निकल के आएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगा 4/3 π को पाई रहने दीजिए, r³ 0.1 का क्यूब होगा तो कितना आ जाएगा? 0.1 का 3 बार गुणा होगा, 0.1 का 3 बार जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा 0.001। ठीक है, 3 स्थान पे 0.1 लग जाएगा। इसके बाद अब यहाँ हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि कितनी गोलियां बनेंगी। अब यहीं पे लिखिए गोलियों की संख्या, गोलियों की जो संख्या होगी वह बराबर होगा बेलन का आयतन बटे गोली का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन है 4π और बटे इसका आपका एक गोली का आयतन कितना है? 4/3 × π गुड़े 0.001। अब देखिए 4 से 4 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, ये हो गया। और उसके बाद ये 3 जो है यहाँ हर में है, इसका गुणा अंश में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/0.001। अब ये भिन्न के रूप में आ गया। अब ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 3000 और नीचे आ जाएगा 1.0, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं? 3000। जो मान आ जाएगा वह 3000 आ जाएगा, यानी कि 3000 यूनिट, 3000 गोलियां इस बेलनाकार ठोस से बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप, पहले जो बेलन है उसका आयतन हमने निकाला, फिर एक गोली का आयतन निकाला। अब गोलियों की संख्या कितनी होगी यह निकालने के लिए बेलन के आयतन में गोली के आयतन से भाग कर देंगे, वह हमने किया, हमको संख्या प्राप्त हो गई 3000। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है। एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेमी है तो उसका आयतन होगा, एक बेलनाकार खंभा जो है वह 7 सेंटीमीटर ऊंचा है जिसका व्यास जो है वह 12 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक जो आपको माप मीटर में दिया गया है, 1 सेंटीमीटर में दिया गया है और उत्तर में देखिए तो मीटर सेंटीमीटर, कहीं मीटर क्यूब लिखा है कहीं सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो अच्छा तो यही होगा कि कोई एक आप लेकर के चलें, कोई एक यूनिट ही लेके चलना पड़ेगा हमको। तो बेलनाकार खंभे का जो ऊंचाई h है वह 7 मीटर है और व्यास जो है डायमीटर वह 12 सेमी है। ठीक,
अब हमको जो है आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए पहले आर निकाल लेंगे, आर डी बाई टू हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा यानी कि ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इस 6 सेंटीमीटर को अगर बदलना चाहे मीटर में तो 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करेंगे तो दो स्थान पर दशमलव लग जाएगा यानी कि 0.06 मीटर, ये इसका मान हो जाएगा आर का त्रिज्या का। अब इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो ये कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.06 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 7 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा पाई गुड़े 6×36 होता है लेकिन 4 स्थान पे दशमलव लगेगा क्योंकि 2 स्थान पे यहाँ है, 2 स्थान पे फिर 0.06 में होगा तो 4 स्थान पे दशमलव हो जाएगा गुड़े 7। ये हो गया, अब 7 का गुणा कर लीजिए, 7×42 के 2 हाथ लगा 4, 7×3 21 और 4×25 बस 0 और 2 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 0.02525 और गुड़े पाई। ठीक, तो ये मान यहाँ पे आएगा यहाँ पे। अब देखिए तो मीटर में तो इस तरीके से आपको नहीं देखने को मिल रहा है, अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो सेंटीमीटर में बस यहाँ पे 6×6×700 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी में अगर सेंटीमीटर में रखना हो तो ये हमारा 700 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर है ही, तो यहाँ पे अगर वो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो पाई गुड़े 6 का स्क्वायर यानी कि 6×6 और ऊंचाई 700 और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आएगी जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका यह सही हो जाएगा द। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ऑप्शंस को देख के चलिएगा, ये सोल्यूशन तो करिएगा ही, साथ साथ आपको किसी एक यूनिट में, मैंने बताया किसी एक यूनिट में आपको लेकर के चलना होगा, वही यहाँ पे करना पड़ा। देखिए 1 सेंटीमीटर में हम मीटर में लेके चले गए थे और उत्तर जो है हमारा सही जो दिया गया है ऑप्शन वाइज सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो इसलिए हमने बाद में सेंटीमीटर क्यूब में बदला। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, एक घन की भुजा 1 सेमी है, इस प्रकार के 2 घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। अब घन आपको पता है इस तरीके से जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं घन। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का यह घन है। ठीक, 1 सेंटीमीटर का यह घन है, अब इसके साथ बता रहे हैं कि एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है और एक घन और है ऐसा। ठीक है, एक घन और है, घनों को मिला के बनी आकृति, मिला करके मतलब दोनों घन जो हैं वह इस तरीके से मिला करके रख दिए गए हैं, बिल्कुल सटा करके रख दिए गए हैं इस तरीके से। तो अब ये घन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये आप मान के चलिए कि ये 2 घन जो हैं वह सटा करके रखे गए हैं, ये भी वही साइज है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा आपको दिख सकता है लेकिन आप बिल्कुल इमेजिन करिए कि ये घन है और बिल्कुल सेम साइज का ये घन, दोनों सटा करके रख दिए गए हैं। अब बोलना कि ये जो आकृति बन गई है इस आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। अब देखिए कि एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, एक घन में 6 फलक होते हैं, तो एक घन का अगर संपूर्ण क्षेत्रफल देखा जाए तो 6a² होता है। ठीक, अब जब सटा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस ये जो 1 फलक है वह दोनों में 2 फलक जो है वह खत्म हो जा रहे हैं, समझ लीजिए 2 फलक जो है वह आपस में यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं, तो ये दोनों का एरिया नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी सारे एरिया जो है वह इसी तरीके से जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं उत्तर को, नहीं तो
ये अब जो पूरा आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया है, ये तो हमने घन का देखा, अब ये क्या बन चुका है, यह एक घनाभ बन चुका है, एक घनाभ बन चुका है। घनाभ कैसा बन चुका है, जिसका जो लंबाई है वह पूरा क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, और चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह 1-1 सेंटीमीटर हो गया। ये जो चौड़ाई है यह 1 सेंटीमीटर है और ये जो ऊंचाई है वह 1 सेंटीमीटर है। तो अब इसको दो घन रखें ये भूल जाइए आप, एक घनाभ रखा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो माप है ये हमको मिल गई। अब घनाभ का हमको पता है कि घनाभ का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है घनाभ का, वह 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई अगर a है, लंबाई अगर a कहें, चौड़ाई b कहें, ऊंचाई c कहें, तो ये होता है a इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर होता है आपका चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर होता है आपका ऊंचाई गुणे लंबाई, यही जो फॉर्मूला होता है। अब इसी में वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, 2 गुणे a की वैल्यू 2 है क्योंकि लंबाई 2 है, और गुणे 1 होगा b, तो ये 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए b और c चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 1 हैं, 1 गुणे 1 आ जाएगा, और धन 1 गुणे 2 तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 धन 1 धन 2। अब यहाँ पे देखिए, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप मिला लीजिए कि कौन सा यहाँ पे सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, तो यहाँ पे जो सटीक हमारा बैठ रहा है वो बैठ रहा है ऑप्शन सा, जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सा, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा ऑप्शन सा जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 गुणे 2 धन 1 धन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 47 है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की कोर होगी, कोर आपसे पूछ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आपसे भुजा पूछ रहा है, आपसे जो इसका साइड है वह पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आयतन दिया गया है, तो घन के आकार का है, अब घन का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वह 1 क्यूब होता है, और इसका मान आपको दिया गया 27, 1 क्यूब बराबर हो गया 27, तो a बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, यानी कि 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि क्यूब है और यहाँ भी घात क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, a का जो मान आ गया 3 आ गया। अब कोर जो है वह 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन द में दिया गया है, ऑप्शन द जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, घन की कोर भुजा आपसे पूछ रहा था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 48, घन का विकर्ण 4√3 सेमी है, तो आयतन होगा, घन का विकर्ण, जो घन का विकर्ण होता है वह बराबर होता है a√3 के, ये घन के विकर्ण का, अगर भुजा a है तो उसका विकर्ण क्या होगा, a√3 होता है, ठीक। अब इसकी लंबाई दी गई है घन के विकर्ण की 4√3, और ये बराबर किसके होगा, a√3 के। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 4√3/√3 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, और सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर ये आपकी भुजा आ गई। आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, v = a³, a की वैल्यू है 4, 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब ये जो है मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 49, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि एक घनाकार संदूक की कोर जो है वह 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ है, एक घन के आकार की संदूक है, ठीक है, फिर घन क्यूब की बात हो रही है,
और उसका जो कोर है यानी कि इसकी जो भुजा है वह कितनी है, 2a है। यानी कि भुजा बराबर लिखिए आप, भुजा क्या है 2a है। तो आपसे उसका पृष्ठ पूछ रहा है, पृष्ठ यानी कि उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसके सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो घन का पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। 6a स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि a यहां भी दिया गया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पे पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा कितनी है 2a है। तो 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 गुणे 2a का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 × 24 a स्क्वायर, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मान आ जाएगा 24 ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ए लिखते हैं हम लोग फॉर्मूले में, यहाँ भी ए लिख दिया है, तो ए ए लिखने में थोड़ा सा कोई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे और गलती कर देंगे, लेकिन सही उत्तर जो होगा आपका यही होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 50। निम्नांकित चित्र में कोण ए पी बी 65 टन है, तो कोण ए ओ बी का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए ये हल्का मिट गया है, ए बी पॉइंट ये है और पी पॉइंट ये है, ठीक। तो अब ए पी बी आपको दिया है, यानी कि ए पी बी ये 65 अंश यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद कोण ए ओ बी, और ओ आपका जो है वह केंद्र है, ये फिगर थोड़ा सा गलत बन गया है, ओ लगभग केंद्र यहाँ आएगा, ये ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा है, ठीक है। ए ओ बी ऐसा है, ठीक। इसको आप थोड़ा सा अभी के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे आपका ओ है और मतलब ये फिगर ऐसा बना है, मैं अलग से बना ही देता हूँ। देखिए ये फिगर कुछ इस तरीके से है और ये कोण का मान आपको दिया गया है 65 अंश, ठीक, 65 अंश इसका मान दिया गया है आपको। अब यहाँ पे आपको ए ओ बी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक प्रमेय लगता है, वृत्त में किसी भी वृत्त में जो किसी जीवा ए बी के द्वारा, अब देखिए ए बिंदु से ये रेखा निकल रही है, फिर परिध पे पी बिंदु पे जा रही है, फिर आकर के बी बिंदु पे मिल जा रही है। यहाँ पे क्या कॉमन है, ये जीवा, इस जीवा के द्वारा इस परिधि पे आंतरित कोण जो है वह 65 अंश है, और इसी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे आंतरित कोण होगा वह इस परिधि पे आंतरित कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। तो किसी भी वृत्त में आपको प्रमेय पढ़ने को मिलेगा कि किसी वृत्त में एक वृत्त खंड में स्थित कोण, एक वृत्त खंड में स्थित कोण जो होते हैं वो जो परिधि पे बना कोण होता है वह केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या इस तरीके से कहेंगे कि किसी एक जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण परिधि पे आंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यहां से हम लिख देंगे कि कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुणे कोण ए पी बी, ए पी बी, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं किस प्रमेय से, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे प्रमेय से, जो प्रमेय होगा, जैसे यहाँ पे एक ही जीवा द्वारा परिधि पे और केंद्र पे आंतरित कोण में ये संबंध होता है, तो यहाँ से कोण ए ओ बी जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण ए पी बी के, ए पी बी कितना है 65 अंश है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 130 अंश, ठीक। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यह वृत्त में आपको प्रमेय पढ़ने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी 80 अंश है, तो कोण ए डी बी का मान आपको निकालना है। देखिए कोण ए ओ बी का मान 80 अंश दे दिया आपको, और कोण ए डी बी यानी कि इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब वृत्त में
आपने एक नियम पढ़ा है, वृत्त में आपने एक नियम पढ़ा है कि जो केंद्र पे बना कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, ठीक। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है, ये कहा जाता है सेम वृत्त खंड में बने कोण के लिए, ठीक है, सेम वृत्त खंड पे बने कोण के लिए, ठीक है। जैसे ये जो कोण आपको दिख रहा है 80 अंश, ये दोगुना होगा किस कोण का, इसी ए बी के द्वारा यहाँ परिधि पे बने कोण का दोगुना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग कर देंगे कि इसको 40 अंश निकाल देंगे, लेकिन जबकि 40 अंश ये होगा और ये किस कोण का आधा होगा, ये जो कोण है कोण ए डी बी, ये इस कोण का आधा होगा, ठीक है। अब ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा एक बिंदु पे बनता है 360 अंश का कोण, ठीक है। तो कोण ए ओ बी, ये जो है कोण ए ओ बी, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 अंश माइनस 80 अंश, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 280 अंश, ये कोण आ जाएगा 280 अंश। तो ये इसका आधा होगा कोण डी ए डी बी, यानी कि 140 अंश, यानी कि इस कोण का मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन डा में दिया गया 140 अंश, ये ऑप्शन डा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 52, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में क्या सत्य है, कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। देखिए पहला कथन है रेखा PQ वृत्त का व्यास है, PQ तो वृत्त के बाहर एक बिंदु पे स्पर्श करती हुई रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा है PQ, ना कि व्यास है, तो ये पहला जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा है रेखा CD वृत्त की छेदिका है, C और D, अब छेदिका रेखा किसको बोलते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पे काटते हुए जाती है उसको हम छेदिका बोलते हैं, तो CD जो है दो बिंदुओं पे काटता हुआ जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रेखा CD वृत्त की छेदिका है। सा देखिए रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है, OR जो है ये त्रिज्या है, जीवा किसे कहते हैं, दो वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। तो जैसे ए बी है यह एक जीवा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, ए एस बी ए यह त्रिज्यखंड नहीं है, यह वृत्त खंड है। अब देखिए ए से गए आप एस से बी से फिर ए, ये क्या हो जाएगा, यह आपका एक वृत्त खंड है। त्रिज्य खंड कैसे दिखता है, जो दो तरफ से त्रिज्याएं, वृत्त का केंद्र हो गया, दो तरफ से त्रिज्याएं होती हैं इस तरफ से, तो ये जो हो जाता है ये पोर्शन, ये क्या हो जाता है, ये त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए वृत्त खंड त्रिज्य खंड में अंतर आप समझ गए। अब ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये सत्य है, बाकी सब असत्य है, तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न 53, 30 120 90 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि अब चार संख्याएं दी गई हैं, यह समानुपात में नहीं है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, और बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है। तो देखिए जब भी जो संख्याएं होती हैं, चार अगर इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं और बोला जा रहा है कि वह समानुपात में हैं, तो उसका एक कारण होता है, एक चीज उसमें हम चेक करते हैं कि उनका जो बाह्य गुणनफल है वह बराबर होगा मध्य गुणनफल के, यही कहा जाता है, इसी से यह साबित होता है कि संख्याएं समानुपात में है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से साबित होता है कि जो संख्याएं हैं वह समानुपात में हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ समानुपात में नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि यह फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य
पद के गुणनफल के नहीं है, इसी कारण से यह समानुपात में नहीं है। तो ये जो ऑप्शन बा है यह सबसे सटीक है, सबसे यही कारण है कि यह दोनों जो है यह चारों संख्याएं समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे सटीक इसका उत्तर है यह है ऑप्शन बा कि इनका जो बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसी वजह से यह समानुपात में नहीं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, ए के घाते 7 गुणे ए के घाते ऋण 9 का मान होगा। ए के घाते 7 गुणे ए के घाते ऋण 9, देखिए आधार दोनों जगह ए है मतलब समान है, तो लिख सकते हैं ए के घाते 7 धन ऋण 9, मतलब घाते जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा ए के घाते ऋण 2। ये घात का नियम होता है, जब आधार समान होता है गुणा हो रहा था तो घाते जुड़ जाती हैं, इसका जो मान आ जाएगा ए के घाते ऋण 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये आपने पढ़ा है, ये सर्वसमिका होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, उसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए और याद रख लीजिए इसको, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अब इसको लिखा जा सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह इतना एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये नीचे है। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो अंश में गुणे के रूप में है वही हर में दिया गया है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, और बचेगा क्या a माइनस बी, ए माइनस बी यही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्या 56, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। देखिए 7/20 एक भिन्न है, इस भिन्न को हमको प्रतिशत रूप में बनाना है, मतलब कि प्रतिशत लगाना है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 7 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 35 और प्रतिशत चिन्ह लगा है तो 35% हो जाएगा, ऑप्शन डा में दिया गया है, ऑप्शन डा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि यदि एक समुच्चय ए इतना है बी इतना है तो ए इंटरसेक्शन बी अवयव होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ऐसे पद लिखिए जो ए में भी है और बी में भी है, तो ए में देखिए 4 है तो क्या बी में 4 है, नहीं है। ए में देखिए 6 है तो क्या बी में 6 है, हाँ बी में 6 है। और देखिए ए में 7 है तो क्या बी में 7 है, नहीं है। तो और कोई ऐसा पद नहीं मिल रहा है जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो जाएगा इतना ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा उसका एक ही एलिमेंट होगा 6, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी का अवयव मतलब एलिमेंट होगा तो एक ही एलिमेंट होगा 6, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, एक वर्ग मीटर बराबर होगा। देखिए एक वर्ग मीटर कैसे लिखा रहता है, एक मीटर स्क्वायर यही लिखा रहता है। ठीक, अब हम चाहें अगर तो मीटर के जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक मीटर बराबर होता है
सौ सेंटीमीटर के, तो एक मीटर जहां लिखा है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं सौ सेंटीमीटर। ठीक, मीटर की जगह हमने सौ सेंटीमीटर लिख दिया और मीटर का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक गुड़े, अब देखिए सौ का स्क्वायर है तो सौ गुड़े सौ और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब सौ गुड़े सौ कितना आ जाएगा, एक के आगे चार जीरो यानी कि 10,000 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मान कितना आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह लीजिए। ऑप्शन सा में दिया गया है, ऑप्शन सा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, लॉग 81 बेस 3 चार का घातांकीय रूप, मतलब घात के रूप में लॉग हटा देना है, केवल घात के रूप में आपको लिख देना है। तो देखिए जो बेस होता है वह मतलब यहाँ जो आधार होता है वही आधार रखते हैं और बराबर के इधर जो होता है वह घात होता है, तो 3 के घाते 4 और फिर जो लॉग में यहाँ अंदर होता है वह बराबर के इधर होता है, तो 3 के घाते 4 = 81 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और जब घातांकीय रूप में बदल देते हैं तो आप देखेंगे कि 3 के घाते 4 आप वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 81 के बराबर ही आना चाहिए, मतलब दोनों पक्ष बराबर ही आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो गया तो कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज की बात की जा रही है, अब साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जो शुरू में मूलधन होता है जिसपे ब्याज लगता है, अगर वह मान लेते हैं जैसे पी बोलते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपए है। ठीक, 100 रुपए किसी ने किसी से उधार लिया और बोला कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 5 वर्ष के समय में 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि इस 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला, ब्याज जो मिला इंटरेस्ट आई मिला वह 100 रुपए मिला, 100 शुरू में था, 100 ब्याज मिल गया तो ये हो गया 200। अब पूछ रहा है कि कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो जब 3 गुना होगा तो ब्याज ही तो बढ़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में मूल धन तो बदलता नहीं है, मूल धन हमेशा 100 रुपए रहेगा, तो जब 300 होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज इस 300 में 200 ब्याज होगा, 200 ब्याज होगा, तो देखिए 5 वर्ष लग रहे हैं 100 रुपए ब्याज इकट्ठा होने में और हमेशा इसी दर से ब्याज इकट्ठा होगा और इसी रेट से, क्यों, क्योंकि यह साधारण ब्याज है, दर तो हमेशा किसी में नहीं बदलती है, लेकिन जो मिश्र धन होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें क्या होता है, मिश्र धन ही बाद में मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से 5 वर्ष समय लगेगा और 100 रुपए इंटरेस्ट इकट्ठा होगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि 100 रुपए से अगर हमको इस 300 पे आना है तो कितना समय लगेगा, 10 वर्ष का समय लगेगा, 10 वर्ष का समय लगेगा और इंटरेस्ट इसमें कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो उम्मीद है कि इसको आप समझ पा रहे होंगे कि 10 वर्ष के समय में साधारण ब्याज में जो राशि होगी वह 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर इसको, ये तो लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया है, अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहें, पोर्ट्रे करना चाहें, कि मान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वह PRT/100 होता है। ठीक, अब आपका मान लेते हैं शुरू में जो मूलधन P है ये बाद में 3P हो जाएगा, क्योंकि जो राशि है वह 3 गुना हो जा रही है, इसमें इंटरेस्ट आपका कितना होगा 2P होगा और 1P होने में जब 2 गुना हो जा रहा है, P होने में आपका समय कितना लग रहा है, आपका समय इन्होंने बता दिया कि 5 वर्ष का लग रहा है, तो इस तरीके से रेट आ गया आपको, इसी रेट पे आप रख देंगे कि 2P होने में कितना समय लगेगा, तो वही आ जाएगा आपका कि 10 वर्ष लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 61 व्यंजक पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कुछ छूटा हुआ है देखिए यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है इसको सही कर लीजिएगा यहाँ पे माइनस ए पी स्क्वायर ठीक है तो इस तरीके से इसका गुणनखंड है इसका गुणनखंड क्या होगा यह बताना है तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे दो दो पदों को देखेंगे कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं क्योंकि चार पद दिए गए हैं इन चार पदों में हम दो दो पदों को ध्यान से देखेंगे कहाँ पे क्या कॉमन मिल सकता है पहले दो पदों को देखिए तो दोनों पदों में एक्स स्क्वायर आ रहा है और बाद के दोनों पदों को देखेंगे तो ए दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे कुछ तो हमको कॉमन देखने को मिल रहा है तो कॉमन लेते हैं देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में बचेगा पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर फिर माइनस कॉमन लेंगे ए तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये भी तो यही है अब इसको चाहे आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए कि ए और इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों जगह है तो कॉमन आ जाएगा ठीक यहाँ बचेगा क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा है क्या माइनस ए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा यही गुणनखंड हो जाएगा जो कि देखिए ऑप्शन आ में ही दिया गया है ऑप्शन आ जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए ठीक तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है संख्या 62 यदि ए एक्स ऐसा है कि एक्स सम संख्या है और एक्स छोटा है 9 से और बी दिया हुआ है बी दिया हुआ है तो बी माइनस ए आपको निकालना है अब ए क्या होगा समूह लिख लीजिए ए होगा सम संख्या कहां से शुरू होता है 2 से शुरू होता है 2 सम संख्या हो गया अब लेकिन 9 से छोटा होना चाहिए यानी कि 2 और 4 आ जाएगा इसमें 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा ये ए हो जाएगा क्योंकि 9 से छोटा ही रखना है तो 10 आएगा नहीं इसके बाद देखिए बी बी कितना दिया गया है 7, 3, 4 और 8 ठीक और बोल रहा है कि बी माइनस ए निकालिए बी माइनस ए निकालेंगे तो देखिए बी के सारे पद रहेंगे पर ऐसे पद इसमें नहीं लिखे जाएंगे जो ए में आ रहे होंगे तो बी के सारे पदों को दिमाग में रख लीजिए चार पद हैं अब समझ लीजिए कि बी माइनस ए में पहले तो चार पद हैं पहले बी में चार पद हैं तो ये चार पद तो रहेंगे ही और अगर ऐसे पद हमको मिल रहे हैं जो ए में हैं जो बी में हैं और ए में भी हैं तो इस बी से बाहर निकाल दिए जाएंगे ठीक है यदि अगर ए के पद बी में दिख रहे हैं ठीक है तो वो बाहर निकाल दिए जाएंगे क्योंकि माइनस ए हो रहा है तो अब देखिए बी में 7 आ रहा है तो क्या ए में 7 है नहीं है तो 7 लिख दिया जाएगा ऐसे के ऐसा फिर बी में 3 आ रहा है तो क्या ए में 3 है नहीं है तो ऐसे के ऐसा लिख दिया जाएगा अब देखिए बी में 4 आ रहा है तो क्या ए में 4 है हाँ है तो 4 घट जाएगा और फिर देखिए बी में 8 है और ए में 8 आ रहा है तो 8 भी घट जाएगा और बचेगा केवल यही इतना ठीक है बाकी बी के ये 2 पद घट गए और फिर बाकी हमको ए से और कोई मतलब नहीं है कि ए में कितने पद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं हमको बस बी को देखना है कि बी में जितने पद हैं उसमें से ऐसे पद हटा दिए जाएंगे जो ए के पद हैं ठीक है तो इस तरीके से 7, 3 ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा में दिया गया है बी माइनस ए जो होगा वह 7, 3 होगा इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है क्रमशः 5 सेमी 3 सेमी त्रिज्या के 2 वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेमी है तो उसमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या के 2 वृत्त हैं और इनके केंद्र की जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है अब देखिए इस तरीके से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए और ये इन दोनों के वृत्त का केंद्र बना लीजिए
5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, ये देखिए ये इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। थोड़ा सा सही नहीं बना है, इतना तो आप मैनेज कर लेंगे, और एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये दूरी पूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर, यही तो कहा है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले दो वृत्त और उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना है, 2 है। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए, स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्तों को टच करना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को टच करती हुई कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यही पूछ रहा है। तो देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, पहले तो ऐसे ही एक आप सीधा सीधा खींच देंगे, ये एक स्पर्श रेखा इधर ऊपर से दोनों को छूते हुए निकल जाएगी, इसके बाद आप इधर नीचे से इस तरीके से एक स्पर्श रेखा छूते हुए किसी एक बिंदु पे दोनों को निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई, अभी दो स्पर्श रेखाएं और खींची जा सकती हैं। कैसे, देखिए ये इस तरीके से एक रेखा आएगी इस तरीके से, और इसको यहाँ पे टच करेगी, इसको यहाँ पे टच करेगी और ऐसे निकल जाएगी, ये एक स्पर्श रेखा हो गई, और ऐसे ही जैसे इधर से आई है दोनों को टच करते हुए निकलेगी, वैसे इधर आएगी दोनों को टच करते हुए इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 स्पर्श रेखाएं जो हैं, वह इसको अगर T1 नाम दें, इसको T2 नाम दें, इसको T3 नाम दें और इसको T4 नाम दे दें ये वाली को, तो यहाँ पे ये 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा, 4 स्पर्श रेखाएं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, बैंक खाता के प्रकार हैं बचत खाता, चालू खाता, समयावधि जमा खाता या सभी। तो ये सभी जो हैं, बचत खाता जो होता है सेविंग्स अकाउंट, ये ज्यादातर खुलता है, और उसके बाद चालू खाता खुलवाते हैं जो लोग बिजनेसमैन होते हैं। सावधि जमा खाता जो होता है वह जिन पे समय समय पे जमा करना होता है वो लोग खुलवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सभी जो हैं, ये सभी बैंक खाते के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है, अल्प वयस्क व्यक्ति का खाता अल्प वयस्क का खाता कहलाता है, ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए। अब आपको पता है कि 18 वर्ष पे व्यक्ति जो है वयस्क माना जाता है, और अल्प वयस्क, ठीक है, ये किस वर्ष पे माना जाता है, 12 वर्ष पे। तो अल्प वयस्क व्यक्ति का जो खाता खुलता है, जिसको अल्प वयस्क का खाता कहते हैं, ये 12 वर्ष पे खुलता है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 66 है, ये कह रहा है प्रश्न संख्या 66, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 किसका सूत्र है। तो ये वही सूत्र है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही यहाँ पे लिखा गया है। तो ये ऑप्शन बा जो हो जाएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न संख्या 66 तक आप समझ गए, सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और अपने खास 5 मित्रों में शेयर कर देना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस लगातार मैं आपके लिए लाता रहूं। और कहीं कोई कमी होती है, जैसे पिछले क्लास में आपने बताया कि ब्लर थोड़ा सा दिख रहा था, तो आज हमने इम्प्रूवमेंट किया है जो आपको इस क्लास में दिख भी रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी और वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी जो विषय हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पढ़ाई करिए, और साथ ही साथ आपको ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे ऐप पे आपको
सभी नोट्स राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जो चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और मास्टर क्लास मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।